नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। आपका पहला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए सूर्य को, बी चंद्रमा को, सी पृथ्वी को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा हे सूर्य को। आपका दूसरा सवाल है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है हे नरेंद्र मोदी को, बी शाहजहां को, सी गौतम बुद्ध को, डी राहुल गांधी को। आपका सही जवाब होगा सी गौतम बुद्ध। का चौथा सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपका ऑप्शन है ए लुम्बिनी में, बी कुशीनगर में, सी गया में, डी सारनाथ में। आपका सही जवाब होगा बी कुशीनगर में। आपका पांचवा सवाल है, डॉट सांप के जहर का रंग कैसा होता है। आपका ऑप्शन है ए काला रंग, बी नीला रंग, सी पीला रंग, डी लाल रंग। आपका सही जवाब होगा सी पीला रंग। रोजाना ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है छे गरीबों का संतरा किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए टमाटर को, बी आलू को, सी गोभी को, डी प्याज को। आपका सही जवाब होगा हे टमाटर को। आपका सातवां सवाल है, किस देश को मिनी पंजाब कहा जाता है। आपका ऑप्शन है हे नेपाल को, बी कनाडा को, सी श्रीलंका को, डी इंडोनेशिया को। आपके सही जवाब होगा बी कनाडा को। आपका आठवां सवाल है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था। आपका ऑप्शन है ए कमला देवी, बी अरुणा गांधी, सी पुतली गांधी, डी कस्तूरबा गांधी। आपका सही जवाब होगा डी कस्तूरबा गांधी। आपका अगला सवाल है नौ, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए हिरण, बी मोर, सी हाथी, डी बाघ। आपका सही जवाब होगा सी हाथी। आपका दसवां सवाल है, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था। आपका ऑप्शन है ए गोरखपुर, बी अमृतसर, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। आपका सही जवाब होगा हे गोरखपुर। रोजाना ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। आपका ऑप्शन है ए 10 अंक, बी 15 अंक, सी 12 अंक, डी 18 अंक। आपका सही जवाब होगा सी 12 अंक। आपका अगला सवाल है 12, एलजी किस देश की कंपनी है। आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी साउथ कोरिया।
आपका सही जवाब होगा डी, साउथ कोरिया। आपका अगला सवाल है 13, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 28 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 18 मार्च, डी 29 जून। आपका सही जवाब होगा बी 29 अगस्त। आपका अगला सवाल है 14, भारत देश का चौथा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए इंडिया, बी भारत, सी आर्यवर्त, डी हिंदुस्तान। आपका सही जवाब होगा सी आर्यवर्त। आपका अगला सवाल है 15, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी हैदराबाद में, डी औरंगाबाद में। आपका सही जवाब होगा डी औरंगाबाद में। रोजाना ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16, कौन सा जानवर 200 साल तक जीवित रहता है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी कछुआ, सी ऊंट, डी हिरण। आपका सही जवाब होगा बी कछुआ। आपका अगला सवाल है 17, रामायण किस देश की राष्ट्रीय पुस्तक है? आपका ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी श्रीलंका, सी फिजी देश, डी नेपाल। आपका सही जवाब होगा ए थाईलैंड। आपका अगला सवाल है 18, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए दुविधा में पड़ना, बी आग लगना, सी और भड़काना, डी डर जाना। आपका सही जवाब होगा सी और भड़काना। आपका अगला सवाल है 19, भारत में कुल कितने राज्य है? आपका ऑप्शन है ए 27 राज्य, बी 29 राज्य, सी 28 राज्य, डी 25 राज्य। आपका सही जवाब होगा सी 28 राज्य। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? आपका ऑप्शन है ए स्पेस स्पेस डॉट गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।